है कि जो वो बोल रहे हैं वर्ण व्यवस्था मैंने तो बनाई नहीं है, ना मेरे पूर्वजों ने बनाई है। जिनने वर्ण व्यवस्था बनाई है वो जातिवादी हैं, वो हैं असली आतंकवादी भारत के, जो हिंदुत्व का झंडा लेकर गरीब दलितों के साथ में शोषण करते हैं। आप हिंदुत्व की बात करते हो, इक्वालिटी की बात करते हो कि सब हिंदू हैं, मुझे बताओ ना फिर आपने क्यों बोला कि आदिवासी वैचारिक आतंकवादी है? आपने क्यों बोला कि मूल निवासी वैचारिक आतंकवादी हैं? आप क्यों बोल रहे हो? आपको बोलने का कोई राइट नहीं है। आपको स्वामी पेरियार से दिक्कत नहीं है, आपको उनकी सच्ची रामायण से, जो उन्होंने सच्चाई की जो पोल खोली है ना तुम्हारे ग्रंथों की, उस चीज़ से दिक्कत है। बात यह है तो तुम्हें वो चीज़ पच नहीं रही है। अब पच नहीं रहे हैं तो मुँह से जो गाय का गोबर है ना, जो तुम अपने प्रोडक्ट में डालते हो, गाय का मूत्र डालते हो, वो तुम हगने लगे हो मुँह से, तो ये मुँह से हगना बंद करो और कायदे की और सच की बात किया करो। ये आपका काम है, अपना योगा एक्सरसाइज करवाना वो करवाओ, वरना जो डेढ़ पसली है ना बच्ची के पेट में वो भी चली जाएगी। ये मैं बोली, और ज्यादा दिक्कत हो तो मुझसे आके डिबेट कर ले, रामदेव चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, ठीक है ना? मैं भी नास्तिक हूँ और स्वामी पेरियार भी नास्तिक थे। क्या लगता है नीलेश जी, रामदेव जो इनको गुरु कहा जा रहा है, बाबा कहा जा रहा है, बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं क्या? रामस्वामी के बारे में नहीं जानते हैं क्या? इस तरह का मतलब इतना घटिया बाहियात बयान देना क्या मानसिकता दर्शाता है? देखिए ये जानते सब कुछ हैं लेकिन मानते नहीं हैं। इनका एक एजेंडा है कि पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, वो हम बनने नहीं देंगे। क्योंकि आज हर व्यक्ति जो बाबा साहब को मानता है, जो ज्योतिबा फुले को मानता है, जो माता सावित्री को मानते हैं, ठीक है ना, जो स्वामी पेरियार को मानते हैं, जो ललित सिंह यादव को मानते हैं, ठीक है ना, वो सब जागरूक है, वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें पता है उनके हक राइट्स क्या है, ये उनको दबाना चाहते हैं ताकि आपस में लड़ाई मरे। अभी हमारे बहुत सारे दलित लोग जो है, हमारे दलित भाई भी हैं, वो लोग जागरूक नहीं है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम मंदिर में जाएं तो ये होगा वो होगा, और वो लोग जब जागरूक हो रहे हैं तो हम जैसे अम्बेडकरवादी निकल के आ रहे हैं, नास्तिक निकल के आ रहे हैं, तो इनको उस चीज़ से दर्द हो रहा है, ठीक है ना, कि कभी ऐसा ना हो कि ये हमें देश से निकाल दें, ठीक है। लेकिन रामदेव जी तो खुद कहा जाता है कि वो यादव हैं और ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो हिंदू वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखें तो वो खुद शूद्र हैं, तो फिर उनको अपने ही समाज या दलितों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? उनको नफरत इसलिए है ना क्योंकि वो आरएसएस वाले हैं, इसलिए, ठीक है ना, और आरएसएस का ये एजेंडा है कि मतलब भेदभाव करना। अब भेदभाव नहीं करेंगे तो वोट कैसे मिलेंगे, फिर सरकार कैसे बनेगी, बात किया ना, तो इस वजह से ये सब कर रहे हैं। उनको सीट के पैसे मिलते हैं, ठीक है ना, जितने लोगों को बुलाते हैं वहाँ पर ये फालतू की भाषणबाजी करते हैं, इनको सब कुछ पता है लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पतंजलि का और इस बाबे का इनका सबका बाइकाट करो, इसी बात है। आप लोगों ने आज यहाँ शिकायत की है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे हमें ट्यूजडे का टाइम दिया है FIR के लिए, अभी हमारी कंप्लेन दर्ज हुई है, इसलिए तो उन्होंने बोला पूरा दिन का जो प्रोसीजर होता है उसके होने के बाद में। और मैं ये कह रही हूँ रामदेव या तो माफ़ी मांग ले, माफ़ी नहीं मांगेगा तो मुझे जहाँ दिख गया तेरे मुंह पर गाली मैं पोतूंगी और हमारी बहुजन समाज की बेटियाँ पोतेंगी, समझ गया? मैडम उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी तरह कोट करी है कि जो बाम सेफ है और जो उसका मूल निवासी कॉन्सेप्ट चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है, वो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, आप कैसे देखोगे? देखिए मैं सीधी सी बात जानती हूँ, जब DNA टेस्ट हुआ था तो उसमें जो विदेशी निकला तो उसे विदेशी कहेंगे, उसे भाई भारतवासी तो कहेंगे नहीं, ठीक है ना, तो तुम वो रिपोर्ट को लेकर बोलो ना, तुम प्रूफ करो ना कि हम भारतीय हैं, कैसे हो तो भारतीय है, और DNA रिपोर्ट अपनी चेक कराओ कि तुम्हारे अंदर किसका DNA है भाई, मैं तो उसमें कुछ कह नहीं रही हूँ, ठीक है भाई, उस पर बोलो ना आप, जो आप बाहर से आए हो तो बाहर वाले बोलेंगे, घर वाला तो बोले नहीं, आप तो रिश्तेदार के तौर पर रह रहे हो, आपने कब्जा कर लिया तो सोचा भारत आपका हो गया, आप हिंदू राष्ट्र बना लोगे, हम बनवा लेंगे, अब जाओ तुम्हारे बस की ना है कुछ भी सिवाय भौंकने के। ऐसा मुझे कभी आम पब्लिक में रोड पे यहाँ पर आकर देखो, जहाँ हम लोग कंप्लेंट किए यहाँ कर देखो, ना जूतों से मारा ना तुम, नाम बदल देना हमारा भी। क्या लगता है जो पेरियार के जो अनुयायी हैं या जो बाम से मूल सिवाय कॉन्सेप्ट के जो अनुयायी हैं, क्या उनसे जो ऐसी मानसिकता ऐसी विचारधारा में खतरा होने लगा? उनको ये डर है ना कि कहीं ऐसा ना हो इनका देश निकाला कर दिया जाए, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हम किसी को देश से निकाल नहीं रहे ना निकलवा रहे हैं, हमारे से कोई, हमारे कहने का मतलब यहाँ पर जो जातिवाद है, जो भेदभाव है, ठीक है ना, जो हीन भावना से हम लोग को देखते हैं, उस चीज़ को खत्म किया जाए। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर सब लोग एकजुट होकर रहो, किसी के साथ में कोई भेदभाव मत करो, छुआछूत मत करो, किसी को गलत मत बोलो, अपशब्द मत बोलो। बाबा साहब की भी यही लड़ाई थी, हमारे मान्यवर साहब की भी यही लड़ाई थी, और हम भी यही लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पूर्वज थे, ठीक है ना, वरना हम जब तुम वर्ण व्यवस्था नहीं बनाते, वर्ण व्यवस्था की वजह से तो सब कुछ भेदभाव हो रहा है ना, कोई हमने तो वर्ण व्यवस्था बनाई नहीं है कि भैया कोई मुँह से पैदा हो रहा है, कोई हाथ से पैदा हो रहा है, कोई जांग से पैदा हो रहा है, कोई नाखून से पैदा हो रहा है, तो ये आप देखो ना आपकी कमियां हैं भाई, जो बोओगे वही काटोगे, अब जब बबूल बोए हैं तो बबूल ही काटोगे, फूल तो काटोगे नहीं, सीधी सी बात है।